हेलो गाइज नमस्कार, क्रिकेट पे सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है गाइज। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ये 90% लोगों की है, स्पेशली जो स्टार्टिंग में खेल रहे हैं और जो पहले से कई समय से खेलते आ रहे हैं बट बीच में छोड़ दिया है और दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इस बॉल में लगभग 90% लोगों को प्रॉब्लम्स आती है खेलने में। उसका दोनों सोल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है और कैसे बहुत इजीली आप उसको खेल सकते हैं, क्या क्या चीज़ करना है, ये सभी चीज़ इसमें बताऊंगा। गाइस सबसे पहले इसके लिए 2-3 शॉटों का आपको बेसिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो ऑन ड्राइव है, ऑन ड्राइव हो गया, फ्लिक शॉट हो गया, उसके बाद जो चेस्ट लिए कमर लेवल तक आती बॉल उसको ग्लांस करना हो गया, बाकी जो चेस्ट लेवल तक बॉल आती है, चेस्ट लेवल तक भी कई बार क्या होता है शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल या गुड लेंथ की बॉल उठ के यहाँ तक पहुँच जाती, उसको कैसे फेस करना है, उसके बाद उसके ऊपर जो आई लेवल तक आती है यहाँ तक आती है उसको पुल मारना। ये 4 शॉट अगर आपने इसमें सीख लिए तो आप आराम से इस शॉट को खेल सकते हैं। बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग करना, आपने थोड़े दिन तक प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी कि आपको ये ईजी लग जाए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले तो बेसिक शॉटों को सीखना है क्योंकि फ्लिक शॉट में कैसे बॉल को फ्लिक किया जाता है, कलाई कैसे घुमाई जाती है, सब बेसिक वीडियो में बताया हुआ है फ्लिक शॉट के ऊपर, ऐसे ऑन ड्राइव के ऊपर बताया, ऐसे ग्लांस के ऊपर बताया, ऐसे पुल शॉट के ऊपर, वो चीज़ पहले सीखनी है। फिर उसके बाद इन बॉलों को जजमेंट कैसे करना है, जजमेंट करने के लिए आपने अलग अलग स्पॉट पर बॉल डालनी है। पहले ऑन ड्राइव के लिए पैरों में बॉल डालनी है, पैरों की बॉल ही आपको थोड़ा सा, अगर ध्यान होगा मैंने वीडियो में बताया था कि जो थोड़ा सा पैरों से अंदर की और मिडिल स्टंप की बॉल, मिडिल स्टंप और पैर के बीच की बॉल बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस बॉल को आप हमेशा ऑन ड्राइव मारते हैं और जो पैर से थोड़ा सा हल्का सा, मतलब पैर के जो पिछले वाले से, यानी ये एड़ी है, आपका जो एड़ी है, एड़ी के एरिया में जो बॉल जा रही है उसको फ्लिक मारना, उसको आप ऑन ड्राइव नहीं मारेंगे, उसको फ्लिक मारेंगे अच्छा रहेगा। ये 2 शॉट आपने फुल लेंथ की बॉल में सीखना है। उसके बाद हल्का सा गुड लेंथ की जो बॉल आती है या शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल आती है कमर को, उसको ग्लांस मारना सीखना है, वो सब बताया हुआ बेसिक में। उसी तरह से आपने जजमेंट के लिए पहले ये बॉल फुल लेंथ की बॉल, फिर गुड लेंथ, फिर शॉर्ट, फुल लेंथ, गुड लेंथ, शॉर्ट, ऐसे करके अलग स्पॉट में बॉलिंग डालनी है। थोड़ा आगे पीछे बीच में भी डाल सकते हैं, फुल लेंथ का एरिया भी बहुत लंबा होता है, लगभग 2 मीटर के दौरान में रहता है, यहाँ से आगे एकदम यॉर्कर, फिर थोड़ा सा पीछे, अलग अलग स्पॉटों में बॉल देते जाना है, उसको फ्लिक करते जाना है। और गुड लेंथ का भी सेम है, गुड लेंथ का एरिया ऐसा नहीं कि एक ही टप्पा वहाँ पे गुड लेंथ होता है, थोड़ा सा आगे से पीछे तक उसकी एक लेंथ रहती है, उस एरिया में आपने बॉल को डालते जाना है आगे से पीछे तक, उनको सबको ग्लांस मारते जाना है, जो कमर लेवल तक आती है उसको। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो उसी लेवल की बॉल थोड़ा यहाँ तक आती है, ना वो कमर के लेवल में होती है, ना वो पुल मारने लायक होती है लगभग इस एरिया में, उसको क्या होता है बैक फुट जाके हल्का सा ऐसे, अब वो कैसे सीखना वो भी बताऊंगा, क्योंकि हल्का सा पैर को पीछे खिसका के उसको डिफेंस किया जाता है या हल्का सा ग्लांस मारा जाता है बॉल के जो लाइन के अकॉर्डिंग, थोड़ा अंदर आती है तो सामने डिफेंस, थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती है तो ऐसे करते हुए उसको ग्लांस मारना है। ये पहले तो ये सीख लो, उसके बाद कंटिन्यूस स्पॉटों में बॉल डाल के रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर खुल के खेलना, आपने ग्लांस मारना है, पुल शॉट मारना, बीच बीच में सभी स्पॉट में अलग अलग बॉल देते जाना है, सभी शॉट्स को खेलते जाना, आपको जजमेंट भी हो जाएगा, साथ में आप वो शॉट सीख भी जाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और हो सके अगर स्टार्टिंग में डर लग रहा है तो स्टार्टिंग में कभी भी आप पूरे पिच से बॉलिंग दे के मत खेलिए, आपको प्रॉब्लम ही आएगी। अगर आप स्टार्टिंग में खेल रहे हैं या बीच में खेल चुके हैं, बीच में छोड़ दिया है, तो आपने फिर से दोबारा से अंडर आर्म से प्रैक्टिस करनी है, अंडर आर्म से, फिर 5 मीटर दूर से, ऊपर ओवर आर्म से भी करोगे, खाली थ्रो मार के भी प्रैक्टिस करोगे, तो ये करते जाना, तब आपकी डर भी दूर होगी और इजीली आप इसको खेल भी पाएंगे। अब जो जंप वाला है वो बताता हूँ कैसे जंप करना है। देखिए जैसे ये मैं खड़ा हूँ, हल्का सा जब बॉल आता है यहाँ से उस एरिया में, हल्का सा पीछे जाके ऐसे डिफेंस करते हैं। अब मैं इस एंगल से दिखाता हूँ कैसे पैर को खिसकाना है, ये आपका स्टांस है, बैटिंग का स्टांस। जैसे बॉल उस एरिया में आती है, इस एरिया में ऐसे हल्का सा आपने ऐसे करके डिफेंस करना है, यहाँ पर अगर आती है तो हल्का सा जंप लेते हुए पीछे को खिसकना है, मतलब एकदम से पैरों को चिपकाना भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा, बहुत सारे आपने इंटरनेशनल में देखा होगा इस तरह की बॉल को ऐसे करके करते हैं, थोड़ा सा जंप करके ऊपर उछलोगे, पंजू में खड़े रहोगे तो क्या है, इतना हाइट का बॉल आएगा तो दब जाएगा, अदरवाइज़ क्या है, अगर खड़े खड़े इसको डिफेंस करोगे इतना ऊँचा आएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जंप मारना पड़ता है इस तरह से, बैट का एंगल ऐसे रहेगा। सेम चीज़ अगर ग्लांस आती है तो ग्लांस में क्या है,
हल्का सा इस लाइन में आएगा ग्लांस के लिए बॉल, ना आप इसको छोड़ सकते हो ना ही इसको मार सकते हो, तो उस सिचुएशन में आपने हल्का सा ऐसे करके ऐसे दबाते हैं, देखा आपने देखा होगा सही कई बार ऐसे करके दबाते हैं, तो ऊपर उठते हुए बॉल को नीचे पुश करना और ग्लांस मारना। यहाँ पे आपको साइड हल्का सा एज लग के गया तो फैन लेग की तरफ चौका भी मिल सकता है, अदरवाइज एक आध रन भी मिल सकता है आपको, एटलीस्ट आप आउट नहीं होंगे। अगर इसको खड़े खड़े करेंगे ऐसे खड़े खड़े में उछली हुई बॉल यहाँ पे आएगी तो कैच उठ सकता है, तो इसलिए एडजस्ट करने के लिए हल्का जम मारना। अब इसकी प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी यहाँ से ऐसे खिसकने की, बार बार ये ऐसे खिसकते रहो, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खिसकने की प्रैक्टिस आपसे हो जाएगी तो बॉल जैसे जंप आएगी उछल जाएगी और आप एडजस्ट करके इसको डिफेंस कर देंगे या ग्लांस मार देंगे। इसी चीज़ को सेम आपने और ज़्यादा बॉल शॉर्ट है तो हल्का सा पीछे जाके फिर उसको पुल मारेंगे। पुल दो तरह के होते हैं, एक फ्रंट फुट पुल होता है, एक हल्का सा बैक फुट जाके फिर पुल मारते हैं। पुल मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ फोल्ड हो रहा है, परसों भी एक वीडियो आया था वो क्या कर रहे थे ऐसे करके पुल मारते, देखो हाथों को ऐसे करके पुल मारते समय हमेशा हाथ पूरे खोलने हैं इस तरह से, हाथ खोलेंगे आपका शॉट में पावर बनेगा और अच्छे से शॉट जाएगा, हल्का सा ऐसा बेंड करेंगे उतना उसमें पावर लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।